हेलो फ्रेंड्स, झटपट डेली रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन करी विद महाराष्ट्र स्टाइल। इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरह से है। ये हमने आधा किलो चिकन लिया है, इसको हलद नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के 2 सीटी लगाई कुकर में। और बाकी का इंग्रेडिएंट्स इस तरह से है, अदरक लहसुन, 1 टमाटर, धनिया, गरम मसाला, ये 2 बड़े अनियन है चॉप किए हुए, हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार, और ये तड़के के लिए एक छोटा प्याज लिया हमने और कड़ी पत्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने पैन लिया है, गैस ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, या हम मसाला तैयार कर रहे हैं इसका। ये प्याज है, इसको हमें अच्छे से भून लेना है, इसको डार्क ब्राउन कर लेना है हमें। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा तेल, देखिए अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारा अदरक लहसुन। आप चाहे तो इसमें गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गरम मसाला नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ गरम मसाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहिए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद है वो। फिर टमाटर, फिर धनिया डाल के इसको हमें अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करके लेना है। अब हम लेंगे एक पैन, इसमें हमने बड़ा चम्मच तेल डाला है, नॉन वेज इसमें थोड़ा ऑयल हम ज़्यादा यूज करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तड़के के लिए कड़ी पत्ता, और जो मसाला हमने तैयार किया था उसका हमने इस तरह से पेस्ट बना के लिया है। लेकिन अब हम इसको भी इसमें ऐड कर देंगे, गैस थोड़ा फास्ट कर लेंगे। इस मसाले में हम सब इसमें हमने सब डाला है, हल्दी, हमारा गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, जो भी हमने मसाला लिया था वो सब हमने इसमें डाल के ग्राइंड कर लिया। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। पैन में अच्छे से भून लिया था हमने इन सब चीज़ों को, इसके लिए अब हम इसको डायरेक्टली सूप इसमें डाल देंगे, हमारे चिकन और जो स्टॉक हमने बनाया था चिकन सूप इसमें डाल देंगे। और इसके ऊपर रख देंगे हम ढक्कन ताकि उबाल आ सके। हम ढक्कन को निकाल लेंगे, रेडी हमारी चिकन करी विद महाराष्ट्र स्टाइल। हम इसको एक निकाल लेंगे। लीजिए रेडी हमारी चिकन करी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू।